सो हे गाइज, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं बीसी बख्तियारपुर कॉलेज का फुल रिव्यू, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल, ए टू जे डिटेल, जैसे कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, कॉलेज में प्लेसमेंट रेट कैसा है, कॉलेज का टोटल फीस कितना है, उसका कट ऑफ इतना हाई क्यों जा रहा है हर बार, और इस बार कितने जाएगा उसका एक्सपेक्टेड हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। तो अगर हम बात करें बीसी बख्तियारपुर कॉलेज का, तो ये कॉलेज 2016 में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली 2016 में 6 कॉलेज स्टार्ट हुआ था बिहार गवर्नमेंट के अंदर, जो कि डीएसटी के थ्रू चलता है। बीसी बख्तियारपुर में उनमें से एक कॉलेज है, जिनमें से ये एक नॉन टेक्निकल कॉलेज है। फिर भी इसका कट ऑफ इतना ज्यादा हाई जाता है, अब उसके पीछे वजह क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज के अफिलिएशन के बारे में। तो ये AICTE न्यू दिल्ली से अफिलिएटेड है और AQU पटना से। इसके अलावा कैंपस की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स पहले इसका कैंपस चल रहा था जब स्टार्ट हुआ था कॉलेज 2016 में, तो 2016 से इसका कैंपस चल रहा था ओल्ड IIT कैंपस पाटलिपुत्रा पटना में, तो वहां पे चल रहा था 2016 से। और उसके बाद 2 फरवरी 2020 से ये अपने मेन कैंपस बख्तियारपुर में आ चुका है। नया कैंपस बीसी बख्तियारपुर जो है वो रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि दिदौर गांव के आसपास पड़ता है। और अगर हम बात करें इसके साथ साथ 2020 से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर का टेम्पररी कैंपस वहीं पर चल रहा है अभी। यार सबसे पहले अपना प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है? तो प्लेसमेंट रेट इस कॉलेज का इतना बेटर है कि आपको कुछ कुछ टेक्यूब कॉलेज भी ऐसे हैं, टेक्यूब कॉलेज, जो उसके लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, तो मेन वजह है कि ये कॉलेज पटना में चला 4 साल तक, और कंपनियां पटना में ज्यादातर रेगुलर विजिट करते रहती थी। ऊपर से पुराने IIT के कैंपस में चल रहा था इसका क्लासेस, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इसका प्लेसमेंट रेट ज्यादा और कंपनियां यहाँ पर ज्यादा विजिट करती होंगी। अब हम आपको डेटा दिखाने के लिए उत्सुक हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको हम डेटा दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको दिख रहा होगा प्लेसमेंट ऑफ BCEN 16 से 20 बैच का है, ठीक है? HCL कंपनी में इतने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, TCS में हुआ है, पाई इन्फोकॉम में हुआ है, विप्रो में हुआ है, ग्रीफियो में हुआ है, ओकाया, ठीक है, IBM, प्रिज्म सीमेंट और बायजूस, और इन सब का प्रूफ भी है। आपको लिंक्डइन पर हम लेके चलते हैं, लिंक्डइन पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीसी बख्तियारपुर का ये है पूरा लिंक्डइन का पेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम चीज यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जो भी कंपनियां आई हुई हैं, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप जाकर इजिली यहाँ से देख सकते हैं, या फिर उनसे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कि लाइक हाँ कैसे कैंपस प्लेसमेंट हुआ, क्या क्या करना पड़ा, कैसे कैसे क्या क्या होता है कॉलेज में, ठीक है? अब हम देखते हैं इसके बाद 17 से 21 बैच का क्या हालचाल चल रहा है कॉलेज का। तो देखिए कि 17 से 21 बैच का भी यहाँ पर कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है कि HCL, TCS, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कुछ कुछ कंपनियां हैं जो ऑलरेडी रिक्रूट कर चुकी हैं, ठीक है? तो 21 बैच का तो अभी आप लोगों को पता होगा कि चल रहा है एग्जाम, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले शायद खत्म हुआ है, शायद 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? हो सकता है अभी एग्जाम खत्म ना हुआ हो, लेकिन फिर भी कंपनियां यहाँ पर आकर रिक्रूट कर रही हैं। तो आप समझिए कि कितना बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है बीसी बख्तियारपुर कॉलेज। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग्स के लिए कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं यहाँ पर नाम लूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है? बाकी आप लोग जाकर इस PDF को पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग यार ब्रांच की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 ब्रांच आपको मिल जाएगा, मैकेनिकल, सिविल, EEE और CSE, सब में आपको 60+ सीट मिलते हैं, जिनमें से 10 सीट लेटरल एंट्री के लिए रहते हैं, और इस बार से 33% सीट रिजर्व होने जा रहा है लड़कियों के लिए। 33% सीट रिजर्व होगा, मतलब कि ऑब्वियस बात है कि लड़का लोग का कट ऑफ बढ़ने वाला है बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेजों में। तब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का, तो यहाँ पर आपको JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है, अगर सीट बच जाएगा तो BCEC एग्जाम के थ्रू जो लोग बचे होंगे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप लैटरल एंट्री के थ्रू जाना चाहते हैं सीधे सेकेंड ईयर में, तो उसके लिए BCEC LA का एग्जाम होता है, उसे आप लोग क्वालिफाई करके काउंसलिंग करके एडमिशन लेना होगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, पहले और भी ज़्यादा इसका कट ऑफ जाता था जब ये कॉलेज पटना में चलता था, लेकिन फिर भी अभी ये सबसे नज़दीक है पटना के, ठीक है? नालंदा कॉलेज भी पटना से ज़्यादा दूर पड़ता है, और सबसे नज़दीक में जो कॉलेज पड़ता है वो है BCE बख्तियारपुर कॉलेज, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है, इसलिए इसका कट ऑफ डाउन नहीं हुआ है। तो कट ऑफ की बात करें तो फ्रेंड्स आपको 70+ लाना होगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60+ जाना होगा, या फिर रेयर चांस में 50 पर भी मिल सकता है। मिल सकता है मतलब कि आपको ये नहीं कि सिविल या फिर CSE ब्रांच मिल जाएगा 50 और 70% पे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको सिविल या फिर CSE लेना होगा तो आपको उसमें 10% और ऐड करना होगा, मतलब आपको 80+ लाना होगा BCE बख्तियारपुर में सिविल या फिर CSE के लिए। और वही रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो आपको 60+ ले जाना होगा BCE बख्तियारपुर में सिविल या फिर CSE ब्रांच के लिए। अगर आपको पूरा पिछले साल का कट ऑफ देखना होगा तो आपको PDF हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, digitalengineer.tech, आप लोग इजीली जाकर वहां से UGESE का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अब बात करते हैं कॉलेज के फीस के बारे में, तो यार फीस बहुत ही कम लगता है बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेजों में, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपको
₹32 लगता था पर सेमेस्टर एग्जाम फीस, जो कि मैं अभी अनरिजर्व कैटेगरी बता रहा हूँ, ₹32 लगता है, जो कि अभी ₹37 लग रहा है, ठीक है, पर सेमेस्टर। और एडमिशन का टाइम आपको लगता है 2500 से लेकर के ₹3000 तक। उसके बाद अर्ली वाइज लगता है डेवलपमेंट चार्ज ₹2600 समथिंग लगता है पर ईयर। सेम चीज़ अगर हम रिजर्व कैटेगरी में चले जाएँ तो वो 3200 और जो 3700 लगता है, 3200 या फिर 3700, ठीक है, इस बार से वो 3700 लग रहा है कुछ कुछ कॉलेजों में, तो वो आपको सिर्फ ₹700 पड़ेगा, बाकी सारा का सारा फीस सेम रहेगा आपको, 2500 या फिर 2600 वाला और बाकी जो चार्जेज लगते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हॉस्टल का क्या चार्ज है, तो फ्रेंड्स हॉस्टल का बिहार में हर एक कॉलेज में अलग अलग चार्ज लगता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 20 से 30 हज़ार के बीच में लगता है आपका 6 महीने का फीस। कैसे लगता है वो आप अपने कॉलेज जाने के बाद पता कर सकते हैं, किसी किसी कॉलेज में 22 हज़ार लगता है, किसी में 25, किसी में 27 हज़ार तक लगता है, लेकिन 30 हज़ार से ऊपर नहीं जाता, इतना मैं श्योर हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि एक स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको एक छोटा सा कटिंग है, जो कि फी स्ट्रक्चर बिहार इंजीनियरिंग के किसी कॉलेज का, आई थिंक मुजफ्फरपुर का है, जो कि पहले का है तो थोड़ा सा कम लगता था, इस बार थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और हर साल ये फीस बढ़ता ही जाता है धीरे धीरे। फैसिलिटी और सर्विस की बात करें तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर लाइब्रेरी मिल जाएगा, बुक लाइब्रेरी मिल जाएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा, एंटी रैगिंग मिल जाएगा, मेडिकल, स्पोर्ट्स और जिम, बैंक, क्लब, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती है, ठीक है, तो बाकी सारा चीज आपको मिलने जा रहा है, लाइक हॉस्टल और बाकी लाइब्रेरी वगैरह, वाईफाई वगैरह रहता है कैंपस के अंदर में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कवर करने का, और वीडियो को छोटा रखते हुए, ताकि आप लोग वीडियो देखते देखते बोर ना हो जाएं, और हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को क्या और एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के ऊपर। मैं 100% वीडियोज बनाने के लिए रेडी हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग एडमिशन लेने से पहले कोई भी डाउट रहे मन में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो चाहिए या फिर फ्री कोर्सेस से रिलेटेड वीडियो हो या फिर इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियो हो, हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में कुछ नए कॉलेज के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।